Election Commission of India has requested the Supreme Court to return the electoral bonds documents handed over by it to the top court in sealed cover on two occasions and said SBI has not disclosed the numbers of the electoral bonds, which it had to do. Meanwhile, speaking on electoral bonds issue, Rajya Sabha MP Kapil Sibal said, like it was done in 2G case where an SIT was made, in this case also an SIT should be constituted to probe the matter. We have to see how the law will see it now. It should also be found out who donated to PM CARES. It's a matter of investigation which party got how many funds. Investigate karegi, na ED investigate karegi. To ab zimmedari court pe hai. Court kya karti hai? Court ko ek jaise 2G mein ek SIT banani chahiye. और खुद नियुक्ति करनी चाहिए लोगों की उस एसआईटी में. वो इंडिपेंडेंट लोग होने चाहिए और जो जो भी डोनेशंस हुई हैं, जिस जिस डोनर ने भी पैसा दिया है, कुछ तो ऐसी कंपनी हैं जो लॉस में चल रही हैं, उन्होंने भी पैसा दिया है. कुछ ऐसी कंपनी है जिनके प्रॉफिट्स जो हैं, जिनके मुनाफा है बड़ा कमती है लेकिन डोनेशन बहुत ज़्यादा है. तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के ऊपर निर्भर हैं. मैं इसके बारे में आज कुछ ऐसी बात कहूं जो जो सत्य नहीं हो तो वो गलत बात होगी. लेकिन ये बात ज़रूरी है कि ये सारा जो पैसा है, अगर क्विड प्रो को हुआ है, वो लगता है कि हुआ है, तो अवैध है. और जो इमारतें भी बनी हैं उस पैसे से, वो भी अवैध हैं. तो ये तो एक बहुत, मैं जैसे मैंने पहले भी कहा कि हिंदुस्तान में दो बहुत बड़े स्कैम हुए. एक तो नोटबंदी का, जहाँ करोड़ों रुपए जो कैश में थे लोगों के, किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की, कोई इतराज नहीं किया, सभी ने अपना पैसा बदल लिया. उसकी आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई. वो बहुत बड़ा स्कैम था. अब दूसरा, इस उससे भी बड़ा स्कैम ये है, क्योंकि इस स्कैम के द्वारा तो इन्होंने अपनी पूंजी में जितना उनको चाहिए था डाल लिया. और दुनिया में सबसे समझ लीजिए कि सबसे बड़ी पूंजीपति पार्टी उभर के भाजपा आई है. अब देखना है देखना यह है कि कानून इसको किस नजरिए से देखता है. तो उसके बारे में तो मैं आज कुछ नहीं कह सकता. लेकिन आप ऐसा है कि आपकी तो पैकेज आपके पास होगा ना, कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो पैकेज तो आपके पास है. वो पैकेज तो जरा चलाइए, ये तो आप लोगों के ऊपर निर्भर है. सर, एक ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि 2018 से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की शुरुआत हुई थी, लेकिन जो डेटा दिया गया है 2019 से दिया गया है, तो ये जो एक साल का गैप लिया गया, उसकी डिटेल्स नहीं सामने आई है, उस पर भी कई सवाल. अभी तो बड़े बड़े गैप हैं, अभी तो बहुत बड़े गैप हैं. गैप इन्वेस्टिगेशन में है, गैप मतलब के किन किन लोगों ने कितना कितना दिया. अभी ये भी पता करना चाहिए, और ये भी एक बहुत अहम सवाल है कि पीएम केयर्स में किसने किसने दिया. वो भी तो एक बहुत बड़ी बात है. वो भी उद्योगपतियों ने दिया होगा. तो मैं समझता हूं कि ये एक स्कीम थी और स्कीम के द्वारा हुआ, और इस स्कीम के जो जिसने स्कीम चलाई थी वो हमारे पूर्व वित्त मंत्री जी थे, और उन्होंने सोचा कि इस तरीके से कोई भी पार्टी हमसे मुकाबला नहीं कर पाएगी. वो निकला, सही निकला. जिसके पास पैसा है उसी के पास खेल है. सर, हाउ डू यू सी द मिसमैच ऑफ द डेटा दैट हैज बीन सबमिटेड बाय द एसबीआई? क्या जो जिस तरह उन्होंने कोर्ट में बोला उसके बाद सबमिट किया, लेकिन देयर इज अ मिसमैच. व्हाट इज द मिसमैच? द डोनर एंड द अमाउंट दैट इज नॉट अ मिसमैच, दैट इज येट टू बी इन्वेस्टिगेटेड. या सो यू कांट से इट्स अ मिसमैच, राइट? यू हैव टू फाइंड आउट which political party got which donation. That's a matter again of investigation. The court in its order has not said that you must actually look at the entire chain of as to how electoral bonds changed hands. But many of these are direct. Many of these are direct. In any case, the companies that have given the bonds are direct. Now the question is who the bonds went to. That's all. That the two bond numbers can be found out easily. That's not an issue. That's again a matter of investigation.